ये सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। अब यहाँ सही वक्त, युद्ध की भविष्यवाणी, युद्ध की बातचीत। देखिए, आज रवि दशमी के दिन दो लाइन तो बताई दूँ। रवि दशमी के दिन दो कंट्रीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दिन। एक, रूस का कोई इम्पोर्टेंट फैसला आज होगा। दूसरे, नॉर्वे में कोई विशेष हलचल आज होगी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेगी। सोने की कीमतों में भी फ्लक्चुएशन आज के दिन बना रहेगा आगे चलते। तो ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। बता दूं कि आज ये योग नहीं है, अब ये योग कल यानी कि 28 मार्च की दोपहर 12:24 से 4:16 तक रहेगा। हाँ, युद्ध की भविष्यवाणी में एक इम्पॉर्टेंट बात और रह गई थी। आज दुनिया के कुछ देश मिलकर वो क्रूड ऑयल को संभालने की कोशिश करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है आज के लिए। ये भी तो उससे डीजल और पेट्रोल के रेट्स में कुछ जो रेट्स चढ़ गए थे यूरोप में खास तौर से, आज कुछ गिरावट हो सकती है, लेकिन ये टेम्परेरी। तो इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं है, आज ये योग कल यानी कि 28 मार्च की सुबह 5:27 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त तो 6:34 से 8:21 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है, अब यह मुहूर्त 30 मार्च को दोपहर पहले 11:18 से 1:16 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है, अब यह मुहूर्त 1 अप्रैल की दोपहर 12:24 से 2:03:28 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है, अब यह मुहूर्त कल यानी कि 28 मार्च की सुबह 6:46 से दोपहर पहले 11:09 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त तो शाम 6:34 से 8:21 तक, और एक बार फिर 10:41 से 4:46 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है, अब यह मुहूर्त 3 अप्रैल की सुबह 10:45 से 1:07 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 6:34 से 8:21 तक, और एक बार फिर 10:41 से 4:46 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा, अब यह अशुभ समय कल यानी कि 28 मार्च की शाम 7:41 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:04 से शाम 6:36 तक, मुंबई शाम 5:19 से शाम 6:51 तक, चंडीगढ़ शाम 5:06 से 6:38 तक, लखनऊ शाम 4:49 से 6:21 तक, भोपाल शाम 4:39 से शाम 6:11 तक, कोलकाता शाम 4:18 से 5:50 तक, अहमदाबाद शाम 5:21 से शाम 6:53 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:49 से 6:20 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज जो दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण, घर से निकलकर दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व या दक्षिण की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉक वाइज घूम कर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको
शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।